आई एम नॉट नेमिंग द अक्यूज आई नेवर डू अरे रिया ये, चक्रवर्ती ये, ये, रिया चक्रवर्ती बोलती है ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो अरे एडिटर बस 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 हाँ 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 बस बस हो गया हो गया कान साफ हो गया अरे देखिए अगर कभी कान में वैक्स जम जाए ना तो बस रिपब्लिक ऑन कर लीजिएगा दो मिनट में ना कान एकदम झंझना के ना सब वैक्स बाहर आ जाएगा हाँ और देखिए आपके कान झंझनाने के अलावा भी हमारे अर्नब जी अरे भैया देश के लिए बहुत सारा काम करते हैं सुपर हीरो हैं हमें ड्रग माफिया हा? खान मार्केट गैंग टुकड़े टुकड़े गैंग गैंग से इतने सारे गैंग से बचाया है अभी तक है? अरे अर्नब जी के मेहनत से ही तो आज तक हमें ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर कैपिटल जीडीपी हंगर इंडेक्स फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स के वजह से ही तो आज हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ कंपटीशन कर रहे हैं और आप देखिए लेटेस्ट लड़ाई है

दूसरी तरफ है भक्त और वोक लिबरल्स जो अर्नब के लिए जंग लड़ रहे कह रहे हैं कि नहीं यह विछंड गलत है यह पत्रकारिता के खिलाफ एक जंग है एक चेटरा, एक चेटरा। तो आज के देशभक्त के एपिसोड में हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या लातों के भूत बातों से मान सकते हैं क्या मुंबई पुलिस के पास और कोई रास्ता था कोई और जरिया था और यह विछंड से तो अर्नब का पुराना रिश्ता है पुराना नाता है तो इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं इतना तिलबिला क्यों रहे हैं सब बात करते हैं बताते हैं आपको लेकिन उससे पहले थोड़ा सा न, बता दें से सिर्फ ट्वेंटी फाइव परसेंट लोगों ने सारे शेयर नोटिफिकेशन ऑन करके रखे ऑन करो सारे नोटिफिकेशन ऑन करो पूछता है भारत आपने सब्सक्राइब किया कि नहीं चलो नेता मत करो सब्सक्राइब के साथ साथ बेलाइकॉन भी दबाओ देखिए पहले तो बैकग्राउंड सेट कर देते हैं ग्यारह मुल्कों की पुलिस मेरा मतलब है कि मुंबई पुलिस टीआरपी स्कैम काफी दिनों से इन्वेस्टिगेट कर रही है उसके ऊपर अस्सी हजार ऐसे फेक अकाउंट्स मिले हैं जो मुंबई पुलिस को डिस्क्रेडिट करने के लिए बनाए गए थे और ये टीआरपी स्कैम क्या है डिस्क्रेडिटेड क्या है यह सारी चीजें हमने इस एपिसोड में आपको ऑलरेडी बता दिया है साथ ही साथ और प्रॉब्लम आ रहा है हेट फॉर प्रॉफिट चैनल्स को क्योंकि अब एडवर्टाइजर्स भी अपना पह वापस खींचने की कोशिश कर रहे हैं इस एपिसोड में हमने आपको वो भी समझा दिया तो बैकग्राउंड पहले ही हम आपको बता चुके हैं। लेकिन अब बात है विछंट की अब मतलब तो मुंबई पुलिस हाँ, हाँ भी महात्मा गांधी की बात थोड़ी ना मानती है कि एक तरफ चाटा धर दिया किसी ने तो दूसरा गाल भी दिखा दिया है? भाई हुआ यूं है कि लग रहा है कि मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक देखकर रिपब्लिक के बारे में बहुत कुछ समझा है और रिपब्लिक को वही चीज किया जा रहा है उनके ऊपर सवाल यह है कि रिपब्लिक वालों को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है वे से उन्होंने तो पीएचडी करके रखा है वे में अरे शॉकिंग बात यह नहीं है कि एफआईआर पूरी टीम के खिलाफ मुंबई पुलिस ने की है बल्कि यह कि रिबेलियन के लिए क्या है अरे कम्युनल हेटरेट फैलाने के लिए एफआईआर कर देते दो चार लोग और आपको दुआएं देते तो यह कहना गलत नहीं होगा कि नेट नेट मुंबई पुलिस अर्नब के साथ वही कर रहा है उसी स्टाइल में डील कर रहा है जो अर्नब लोगों को डील करते आया है इतने सालों से नौ बजे ही इज गेटिंग ओन विच हंटिंग है? इतने सालों से वही काम हो रहा है अर्नब ने कई बार लोगों को ऐसे ही टारगेट किया है जैसे एबी डिविलियर्स फास्ट बॉलर्स को टारगेट करते हैं है? आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स लेकिन देखने से पहले ये याद रखिए अर्नब को किसी सिटीजन को विछंट करने के लिए इल्जाम लगाने के लिए कोई फैक्ट्स डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट्स रिपोर्ट्स की जरूरत नहीं होती है उन्हें बस चाहिए दो चीजें हाई टीवी और टीवी के सामने बैठी भोली भाली जनता बिकॉज इतना चिल्लाता इतना ज्यादा चिल्लाता ये इंसान की कभी कभी लगता है कि रिपब्लिक टीवी अगर बंद भी हो जाए ना और ऑटो में सवारी बैठाने का काम शुरू कर दे तब भी लखपति हो जाएगा मिनटों में यह इंसान अर्नब की बायोपिक जब बनेगी ना तो उसका नाम होगा अर्नब नॉइज ऑफ द पीपल अब जो से अग्री नहीं करता वो सीधे एंटी नेशनल बन जाता है शायद इसी कॉलेज में अर्नब ने उसको भी बोल दिया होगा तू एंटी नेशनल है लेकिन आप बोलोगे देखिए लोगों को एंटी नेशनल बोलना विछंड थोड़ा ही ना है वो तो बहुत इनोसेंट जर्नलिज्म हो रहा है उनको खूनी बोलना भी विछंट नहीं है इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी मैं बोल रहा हूँ इटली में रिपोर्ट भेजेगी देखिए जहां पे मैंने एक सरकार बना ली वहां पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही एक तरफ ऑपोजिशन पर हंसना उन्हें यूजलेस कहना मदर डॉटर फादर सिस्टर कहना उधर ट्राइबल्स ने पलघर में संतों पर अटैक कर दिया तो सोनिया गांधी को खींच कर ले आओ भाई सोनिया ने किसी को मरवाया हो या ना हो लेकिन ये जर्नलिज्म को मरवाने में बहुत बड़ा योगदान कर रहा है ये अरना। वो दिन दूर नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट में रिपब्लिक का एक ऑफिस होगा बिल्डिंग के एक कोने से रिपब्लिक भारत का शो चलेगा जज साहब बैठेंगे अर्नब बन और पैनलिस्ट होंगे वकील और जनता कटगरे में खड़ी होगी और पॉलिटिशियंस की बात छोड़ो अर्नब ने बॉलीवुड उसका तो कभी विछंड किया ही नहीं केस में बॉलीवुड के तीन ऐसे स्टार हैं जिनके नाम सामने आने वाले हैं इनमें एक है पचपन छप्पन साल का एस दूसरा है अड़तीस साल का आर और तीसरा है ए जो सैतालीस साल का है ए नाम का इंसान 47 इयर्स ऑफ एज अबे अर्नब

है। और वो भी क्या एक के वजह से इसका एक रीजन ये भी है कि रिपब्लिक अपने कंपटीशन को शायद खत्म करना चाहती होगी क्योंकि देखिए बॉली अच्छा तो, तो बॉलीवुड की बॉली क्या जरूरत है सारे आने दो तो हम देंगे पूरे देश को ड्रामा और अब ड्रग दो से बात आ गई है मुझे बेल दो, बेल दो, बेल दो, बेल दो। बॉलीवुड के साथ किया अब वही उनके साथ हो रहा है गलत है मे भी है लेकिन देखिए मैं तो बहुत संस्कारी हूं हम लोग यहां देशभक्त में बहुत संस्कारी हैं हम कारमा पे विश्वास रखते हैं जैसा करोगे वैसा ही पड़ेगा तुम्हारे ऊपर लेकिन अर्नब को आज तक कारमा ना कोई डर नहीं लगा कभी नहीं लगा देख लो तो यह बलात्कार का मामला है ही नहीं तो ये तो ये सामूहिक बलात्कार की बात कहां से आ गई ये तो किसी ने मनोहर कहानियां लिखी है इस पर लोगों को लगता है कि धरती के सबसे नीचे हिस्से को कहते हैं पाताल लोग लेकिन लोगों को जो नहीं पता है कि उससे भी नीचे फ्लोर पे रहता है अर्नब और उसकी जर्नलिज्म हाथरस गैंगरेप केस में भी अर्नब मनोहर कहानियां ढूंढ रहे थे क्योंकि भाई देखो ऊपर से ऑर्डर आए होंगे है तो जर्नलिज्म का पता नहीं काम का पता नहीं लेकिन पत्रकारिता का पता नहीं लेकिन एक चीज कह सकते हैं फुल मार्क्स लॉयल्टी माई व्यू इज सिंपल वी आर नॉट द रेफ्यूजी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड वी है आई एम सिंग जेंटली जेंटली थ्रो द माउट अतिथि देव भाव का न्यू एग्जाम्पल इन न्यू इंडिया है रेफ्यूजी को बाहर निकालो क्योंकि रोहिंग्या है मुसलमान है तो टेररिस्ट होंगे ये लेकिन विछंट नहीं है नॉ ना, ना ना ये तो पत्रकारिता है ये तो देश प्रेम है अर्णव की गलती नहीं है कि वो पत्रकारिता नहीं कर पाता है अरे जो जीव इंसान नहीं बन पाया वो बेचारा पत्रकार कैसे बन सकता है सोचो कभी सोचो अर्णव की ओपिनियंस वही होती हैं जो पान की टपरी पर गुटखा थूक कर दिए जाते हैं फर्क बस इतना है कि गमछे की जगह यहां सूट पहनकर बैठ जाया जाते हैं भाई साहब स्टूडियो में डोंट आई एम मेकिंग अ पॉइंट Nobody has really, a right to I say my that. country is intolerant. My country is not intolerant. A few fringe groups don't make my country intolerant. <laughs> भाई इंटॉलरेंस का सबसे बड़ा स्तंभ सबसे बड़ा प्रतीक है। जो भी सरकार से सवाल पूछे वो कॉलिंग नॉलिंग नहीं है किसी भी डिसेंटर को चुप कराने के तीन तरीके होते हैं सालों से करते आया है तीन सिंपल स्टेप्स है कोई भी बकवास एलिगेशन लगा दो कोई नाम बुला दो ड्रग ब्रेकअप इंडिया टुकड़े टुकड़े गैंग शब्दों से जनरलाइज कर दो गैंग ब्रिगेड लॉबी जैसे शब्द का इस्तेमाल कर दो उसको एक हाईफाई रूप पहना दो मुबारक हो देशद्रोही तैयार है विछंड सक्सेसफुल है आज के डेट में विछंड के लिए किसी को सूली पर चढ़ाने की जरूरत नहीं होती है टीवी स्टूडियो काफी है सबूत बॉलीवुड के बाद या बॉलीवुड से पहले साल का सबसे बड़ा विछंड तबलीगी जमात क्या जमात के लोग भारत में इटली और अमेरिका जैसा हालत बनाना चाहते क्या चाहते हो तबलीकी तबलीगी तो तो आवाज कम।, कम।, कम आप इनको चुप करिए आवाज़ मेरे भाई साहब में आवाज कम बात कर सकता आपका छोटा आवाज़ कम आप मेरी बात आवाज़ कम वायरस जो है किसी की छोटा भाई नहीं हूँ ना मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ आवाज़ कम भी मरेंगे आवाज़ कम अर्नब ना तो किसी का छोटा भाई हो सकता है या बड़ा भाई हो सकता है सारे लोग बाहर है, तबलीगी ने खुद अपना प्लेटलेट्स लोगों को हेल्प किया है और आज तबलीगी जमात कंस्पिर के बारे में कोई बात नहीं करता है क्योंकि बड्डे वे मंत्रियों को भी कोरोना हो चुका है अर्नब ने तबलीगी जमात को ऐसे वेलीफाई किया ऐसे वेलीफाई किया जैसे जमात वाले खुद ही स्टूडियो में आकर उसके ऊपर थूक गए why say that wouldn't have been a bad idea who is the killer who knew the house so well that he or she or maybe he and she knew where to hide the golf clubs हल्ले हल्ले नाम लेकर आरोप लगाने का काम तो आरुषी के मामले में भी किया जा चुका है बिना नाम लिए प्रोनाउन्स यूज करके इशारा करके इल्जाम लगाने का ट्रिक अर्नब को अच्छे से आता है सालों से आता है मुंबई पुलिस को तो ट्रेनिंग लेनी चाहिए उनको बुला के पुलिस स्टेशन आई डोंट इंसिनुएट आई नेवर I don't point I fingers I never do i don't make false charges i never do i am not naming the accused i never do देखिए भाई बात भाई बात साफ है भाई आज तक कोई घपला नहीं किया αρनब ने कोई विचंत नहीं किया है बस आज अर्णब के चैनल पर अर्णब का टिकर चलाकर अर्णब एंकरिंग करते-करते अर्णब अपने ही जिंदाबाद के नारे लगवा रहा है, है? एक दो एपिसोड बाद पता चलेगा कि अर्णब खुद ही को भारत रत्न देना चाहते हैं यह भी हो सकता है क्योंकि वो कहेंगे पूछता है भारत क्यों नहीं मिलेगा भारत रत्न अर्णब को अर्णब जिंदाबाद

जैसे तुम झांपड़ मारते हो वैसे ही रसीद के मारेगी जो आज मुंबई पुलिस कर रही है बहुत सारे वोक लिबरल्स ये कह रहे हैं कि ये पत्रकारिता पर एक अटैक है जो अर्नब के साथ हो रहा है वो अग्री नहीं करते हैं अर्नब के साथ लेकिन जो हो रहा है वो अटैक है बिल्कुल अटैक है और पत्रकारिता पर तो ज्यादा ही दिख रहा है मुंबई पुलिस ऑफकोर्स कोई सही काम नहीं कर रही है मुंबई पुलिस भी विछंट कर रही है लेकिन यह भी देखने वाली बात है कि कभी कभी लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं उनको एक ही लैंग्वेज समझ में आता है और उसी लैंग्वेज से ही समझाया जा रहा है जबकि अर्नब इसके लिए भी टीआरपी बटोरने में बिल्कुल चालू है आप अग्री करते हो इस पॉइंट से या डिसअग्री करते हो जरूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन पे कोई और तरीका है हेट को रोकने के लिए इस तरीके के प्रोपोगंडा रोकने के लिए अगर आपके पास कोई और सोल्यूशन है तो जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में मैं पढ़ने को बिल्कुल तैयार हूं मैं जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा मोर एपिसोड ऑफकोर्स कमिंग अप और वे uh, ये हमारे मिल लीजिए इनसे ये हमारे अल्टीमेट देशभक्त हैं यही इनेबल करते हैं कि हम ऐसे और एपिसोड्स और विभाग ऐसे बात करते रहें और ऐसे सवाल उठाते रहें तो आप भी अगर मेंबर बनना चाहते हैं तो डब्ल्यू 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 फिटरी ऑन डॉट कॉम स्लैश देशभक्त एड्रेस या फिर नीचे ज्वाइन बटन भी दबा सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग मोर एपिसोड्स कमिंग अप